संग्रहालय 2230 वर्ग मीटर में फैला है और आश्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्घाटन हमारे दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई 1963 को किया था। संग्रहालय में एक पुस्तकालय, दो फोटो गैलरी, एक सभागार और एक सम्मेलन कक्ष है। इस संग्रहालय में गांधी द्वारा लिखे गए 34,000 पत्र, उनके लेखन कार्य, उनकी तस्वीरों की निगेटिव, उनके भाषणों की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और स्वतंत्रता संग्राम में उनके संघर्ष पर 210 फिल्में शामिल हैं। अब हम इस संग्रहालय में पहली गैलरी देखने जा रहे हैं, जिसे अहमदाबाद में गांधी गैलरी कहा जाता है। इस गैलरी में आप अहमदाबाद में रहते हुए गांधी द्वारा किए गए कार्यों और उनके द्वारा किए गए आंदोलनों को देख सकते हैं। गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल रहने के बाद 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। वे 1 फरवरी 1915 को अहमदाबाद गुजरात पहुंचे। अगले 15 वर्षों तक अहमदाबाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनका बेस बना हुआ था। उन्होंने 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी नमक मार्च के समय अहमदाबाद को छोड़ा था। इस गैलरी में हाथ से खींचे गए 50 पैनल हैं, जो गांधी के जीवन की प्रमुख घटनाओं को दर्शाते हैं जो गांधी के अहमदाबाद में रहते हुए हुई थी। इन मुख्य घटनाओं में कोचराब आश्रम की स्थापना, मिल मजदूरों और मालिकों का विवाद, चंपारण आंदोलन, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना, स्वदेशी आंदोलन, दांडी मार्च आदि का समावेश है। इस संग्रहालय की दूसरी गैलरी है माय लाइफ इज माय मैसेज, यानी कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। एक बार जब गांधी बंगाल के दौरे पर गए थे, तब गांधी को भारत के लोगों के लिए एक संदेश देने के लिए कहा था, जिस पर उन्होंने जवाब दिया था, मेरी जिंदगी ही मेरा संदेश है। माय लाइफ इज माय मैसेज एक ऐसी गैलरी है जो महात्मा गांधी के प्रेरक जीवन की घटनाओं को तारीखवार प्रदर्शित करती है। इसे 7 भागों में आयोजित किया गया है, जहां 250 से अधिक तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शनी में गांधी जी के जीवन में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें पोरबंदर में उनके जन्म से लेकर उनके पूरे जीवन को शामिल किया गया है। उनका इंग्लैंड में बिताया गया समय, दक्षिण अफ्रीकी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका और अंततः 1948 में दिल्ली में उनकी दुखद हत्या को दर्शाया गया है। अब चलिए हम पेंटिंग गैलरी में चलते हैं। इस गैलरी में विभिन्न गतिविधियों के दौरान विभिन्न मुद्राओं में गांधी को चित्रित करने वाली आर्ट पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया गया है। इन चित्रों को 1960 के दशक में चंदूलाल शाह और हीरालाल खत्री द्वारा चित्रित किया गया था, जो कपड़ा व्यापारी होने के साथ साथ कुशल कलाकार भी थे। इसके बाद इन चित्रों को उदारतापूर्वक आश्रम को दान कर दिया गया था। इस गैलरी में श्री राजकिशोर कपूर द्वारा निर्मित गांधी का एक उल्लेखनीय चित्र भी है। यह चित्र अद्वितीय है, क्योंकि इसे मूंगफली के छिलकों से बनाया गया है, जिसे गांधी के विवरण को सटीकता से प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग तापमान पर गर्म किया गया था। इस तरह से गांधी के जीवन, उनके द्वारा किए गए कार्यों को समर्पित यह गांधी स्मारक संग्रहालय एक अद्वितीय वास्तु है।